बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां सगी तीन बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा का है, जहां ग्राम पंचायत के कुलहाई से निकली नहर नहाने पहुंची एक बहन को डूबते देख दूसरी बहन नहर में छलांग लगा दी और जब दोनों बहनें पानी में डूबने लगी तो मौके पर मौजूद बड़ी बहन भी नहर में कूदी, लेकिन तीनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवतियों के शव को बाहर निकाला है। बताया जाता है कि मृतका चार बहन तीन भाई थे। छोटी बहन घर में थी जबकि तीन बहनें नहर में नहाने आई थी, जो घटना का शिकार हो गई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। मैडम, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या घटना हुई है? हाँ, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में इटौरा के पास घटना हुई है। नहर में तीन लड़कियां डूब गई हैं और इनकी पूछताछ करने पर पता चला परिजनों से कि ये लड़कियां नहाने के लिए गई थी, जहां इनकी डूबने के दौरान मृत्यु हो गई है। तीन बच्चे कौन है? ये मजदूर वर्ग से हैं और इनके पिता यहाँ पर किराए से मकान लेके रहते थे, तो उन्हीं की लड़कियां हैं जिनकी डूबने से मृत्यु हुई है। तीनों बहन, ये बहनें हैं, तीनों सगी बहनें हैं? जी हाँ, सगी बहनें हैं और एक की उम्र 18 साल है, एक की 14 साल, एक की 16 साल। सभी जी एक ही परिवार के? जी जी जी। बच्ची बड़ी है, बड़ी आती है, इनसे सब छोट है।